प्रिय शिक्षणार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रविकांत, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से हूं। और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा दैनिक जीवन में विज्ञान का सहसंबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान और मानव जीवन में बहुत सहसंबंध रहा है, और सहसंबंध का अर्थ होता है कि किस तरह से हम किसी एक विशेषता को लेकर दूसरे लोगों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं और उनके साथ एक संबंध बनाते हैं, जिससे हम दोनों दो लोगों के बीच में एक सहजीविता उत्पन्न होती है, जिसको हम सहसंबंध बोलते हैं। विज्ञान और मानव जीवन, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान युग विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान ने संपूर्ण मानव जीवन को बदल दिया है। प्राचीन काल में जिन बातों की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, विज्ञान ने आज उसे संभव करके हम सबको चकित कर दिया है। दैनिक मानव जीवन और विज्ञान, इसको मुख्य तौर पर हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि मानव का विकास भी जो है वो उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला है आदि मानव और विज्ञान, दूसरा है आधुनिक मानव एवं विज्ञान। आदि मानव, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे पूर्वज, ये प्रथम नस्ल थी, प्रथम वंश था जो कि धरती पर आया और बना एक लंबे विकास के बाद, और उन्होंने किस तरह विज्ञान की खोज की, किस तरह से विज्ञान के साथ सहसंबंध बनाया, इस बिंदु पर हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु जो हमारा है आधुनिक मानव एवं विज्ञान, इस बिंदु पर हम आधुनिक यानी कि आज के हम जो जिस वर्तमान पीढ़ी में हम रह रहे हैं, उसका विज्ञान के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आदि मानव और विज्ञान। आदि मानव ने जो चार चीज़ें मुख्य रूप से खोजी थी, उनकी वजह से उनकी जीवन शैली में बहुत अधिक परिवर्तन आया, और विज्ञान का उतना ही अधिक प्रयोग वो धीरे धीरे क्रमशः करने लगे, जिसमें सबसे पहला था आग की खोज, दूसरा था हथियारों का निर्माण, तीसरा था पहिए की खोज, और चौथा था शरीर को ढकने के लिए खाल आदि का प्रयोग जो उन्होंने उस समय पर किया था। सबसे पहले आदि मानव और आग। आग एक ऐसा ऐतिहासिक आविष्कार था उस समय पर, जिसने आदि मानव के संपूर्ण जीवन को बदल दिया। इससे पूर्व, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि आदि मानव जंगल में रहता था, शिकार करता था, असंगठित तरीके से शिकार करता था, बहुत सारी उसको दिक्कतें थी, समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अचानक ही किसी दिन उसने आग का आविष्कार किया। ये आविष्कार स्वतः हुआ, और इस आविष्कार से उसने महसूस किया, उसने अनुभव किया कि ये जो आग है, इससे हमको जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिल रही है, साथ ही साथ इससे हमको अग्नि यानी कि आग से जो ताप मिल रहा है, उससे हमारे जो शरीर का जो तापमान है शीत ऋतु इत्यादि में भी उसको सहायता मिली थी, साथ ही साथ रात में प्रकाश की व्यवस्था भी थी। तो आग का जो आविष्कार था, उसने आदि मानव के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया, और ये पहला विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार था जिसको आदि मानव ने स्वतः अपनी बुद्धि के आधार पर खोजा, अपने जो उसका सहज ज्ञान था उसके आधार पर खोजा, और उसने इस तरीके से विज्ञान को उस आदि मानव के जीवन से जोड़ना शुरू किया। तो जो आग का आविष्कार था, वो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और सबसे पहला संभवतः माना जाता है विज्ञान का वो आविष्कार था जिससे उसका सहसंबंध से जुड़ा। इसके बाद अगला, आदि मानव और हथियार। जैसा कि आपको मालूम है कि आदि मानव जंगलों में शिकार किया करते थे, और उनका शिकार जो है बहुत ही असंगठित होता था। इस शुरुआत में माना जाता है, प्रारंभ में माना जाता है कि उन्होंने भागकर जानवरों के पीछे भागकर उनको शिकार किया, लेकिन धीरे धीरे अपने सहज ज्ञान से उसने ये आविष्कार किया कि अगर हम किसी हथियार का प्रयोग करते हैं, आरंभिक तौर पर ये हथियार या पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, नुकीले टुकड़े हुआ करते थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसने अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग किया, उसने नुकीले पत्थर के टुकड़ों को बाँस के डंडों पर या अन्य किसी चीज़ पर बांध कर शिकार करना प्रारंभ किया, जिससे उसको बहुत ही आसानी होने लगी, बहुत ही सुगमता होने लगी, साथ ही साथ जो उस जंगली जानवर के द्वारा किया जाने वाला प्रतिरोध था वो भी कम हुआ, क्योंकि अब दूरी के आधार पर आदि मानव शिकार करना शुरू कर दिया था उसने। तो इस तरह से जो दूसरा आविष्कार जो हथियार किया उसने उस वैज्ञानिक गतिविधियों का उसमें प्रयोग किया, उसको ये पता चला कि एक नुकीले हथियार से हम जब प्रयोग करते हैं तब हम जानवर का शिकार आसानी से कर लेते हैं, और कम समय में उसको हम जल्दी मार कर उसका वो लोग भोजन कर सकते थे। तो आदि मानव और हथियार यानी कि दूसरा जो आविष्कार था, इसने भी मनुष्य का सहसंबंध उस आदिकाल में मनुष्य के साथ विज्ञान को जोड़ा। तीसरा जो और महत्वपूर्ण आविष्कार जिसको माना जाता है कि ये भी आग के बाद द्वितीय स्थान पर है, वो है पहिया। क्योंकि पहले आदि मानव जगह जगह पैदल ही घूमता था, उसको समय लगता था घूमने में, काफ़ी समय लगता था, शीत ऋतु का, वर्षा ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, जंगली जानवरों इत्यादि का उसके ऊपर बहुत असर रहता था, लेकिन धीरे धीरे अपनी सहज बुद्धि के आधार पर उसने ये जाना कि अगर कोई गोल वस्तु है उसको ढकेलने में हमको काफ़ी कम ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है, और इस तरह धीरे धीरे शने शने उसने एक पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से उसने तमाम छोटी मोटी उस आदिकालीन समय की गाड़ियाँ बनाई, जिससे उसको भोजन इत्यादि को इधर से उधर ले जाने में आसानी हुई, उसको आवागमन में आसानी हुई। इस तरह से जो तीसरा आविष्कार था आदि मानव का पहिया, इससे भी उसको बहुत अधिक सहायता मिली उससे, और फिर से उसने एक सहसंबंध जोड़ा विज्ञान से अपने दैनिक जीवन में।
इसके बाद जो अगला हम देखते हैं वस्त्र। जैसा कि आपको मालूम है आदि मानव के पास कोई वस्त्र नहीं हुआ करते थे, पेड़ों की छाल, पत्ते, जानवर इत्यादि की खालें। प्रारंभ में जो है आदि मानव के पास वस्त्र ना होने के कारण, चूंकि आदि मानव का जो शरीर था वो इस तरह से बना था कि वो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु के अनुसार ढल नहीं सकता था, इस वजह से उसको ज़रूरत हुई कि वो अपने शरीर को ढके तमाम तरह की बीमारियाँ, कीड़े इत्यादि से बचाव के लिए। अचानक में सहज बुद्धि से उसने ये जान लिया कि अगर पत्ते से, खाल से या फिर जानवरों की खालों से अगर हम शरीर को ढकते हैं तो उससे हमें जो कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं उनसे सुरक्षा भी मिलती है, साथ ही साथ जो हमारे ऊपर ऋतु का असर हो रहा है यानी कि ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का या शीत ऋतु का जो असर हमारे ऊपर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरह उसने उन खालों को, उस पत्तों को अपने वस्त्र के रूप में प्रयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे वही परंपराएं आगे बढ़ती रहीं। जैसे जैसे सहज बुद्धि बढ़ती चली गई, इसमें आधुनिकता आती गई और आज हम वर्तमान दौर पर पहुँचे हैं। इस तरह अभी तक हमने जो देखा आदि मानव के चार आविष्कार, जिसमें आग था, जिसमें पहिया था, साथ ही साथ जिसमें वस्त्र थे और जिसमें हथियार थे, यानी कि ये पहले वो वैज्ञानिक प्रयोग थे जिसको आदि मानव ने अपने जीवन में शुरू प्रारंभ किया और जिससे विज्ञान का सहसंबंध आदि मानव के साथ जुड़ा। अगले क्रम में हम देखेंगे कि आधुनिक मानव और विज्ञान, आज विज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाहित होकर उसे संचालित कर रहा है। विज्ञान रहे जीवन की तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य ने विज्ञान के बल पर अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। विज्ञान ने उसके दैनिक जीवन क्रम को संपूर्ण रूप में रूपांतरित कर दिया है। आपको खूब अच्छे से मालूम है, खूब अच्छे से जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में विज्ञान का कितना प्रयोग करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, यहाँ तक कि रात्रिकालीन में सोते समय भी हम वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग कर रहे होते हैं। और अगर ये वैज्ञानिक आविष्कार ना हो तो संभवतः हमारा जीवन आज के समय में संभव ना हो। अब हम ये देखेंगे कि मानव जीवन के किन क्षेत्रों में विज्ञान हमारा मदद कर रहा है, विज्ञान का सहसंबंध हमारे साथ है। इसमें सबसे पहला क्षेत्र है उद्योगों के क्षेत्र में, इसके बाद जनसंचार के क्षेत्र में, इसके बाद यातायात के क्षेत्र में, इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और दैनिक जीवन के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान का क्या सहसंबंध है। शिक्षार्थियों, विज्ञान के आविष्कारों से पहले जो हमारे पास कृषि या उद्योग हुआ करते थे उसमें हमारे पास इतनी बड़ी क्रांति नहीं आई थी। हम पारंपरिक तरीक़ों से हम कृषि और उद्योगों का संचालन कर रहे थे जिससे हमें काफ़ी दिक्कत थी, हमारा उत्पादन काफ़ी कम था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ती गई, वैज्ञानिक चीज़ों का आविष्कार भी होने लगा और ये उद्योग जो है हमारे ये बहुत तेज़ी से विस्तृत हुए। उद्योगों के क्षेत्र में जो सहसंबंध है हमारा विज्ञान के साथ, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो बड़े स्तर पर उत्पादन, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े उद्योग धंधे और हर समय यानी कि 24 घंटे चलने वाली मशीनें, 24 घंटे उत्पादन हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर। चूंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है उसकी अपेक्षा में हम लोगों को लगातार उनकी जो मांग और पूर्ति के जो एक डिमांड और सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, मांग और पूर्ति का जो एक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए 24 घंटे उत्पादन करना होता है। तो सबसे पहला है बड़े स्तर पर हमने उत्पादन करना शुरू किया विज्ञान की उन मशीनों की सहायता से। दूसरा बिंदु है विभिन्न मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम। दैनिक जीवन में हम लोग खाने से लेकर अपने कपड़ों से लेकर, अपने घर से लेकर, अपनी शिक्षा से संबंधित कितनी ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं और ये सब चीज़ें पहले मिलना थोड़ा दुष्कर हुआ करता था। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति हुई, विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति का पूरा का पूरा जो स्वरूप था वही बदल दिया। तो हमारे पास जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति है उसको आज उद्योगों की सहायता से हम पूरा करते हैं और ये सब संभव हो पाया है विज्ञान की वजह से। दूसरा रोजगार, तीसरा बिंदु रोजगार के अवसर। चूँकि उद्योग हैं और उद्योग में मानव पूंजी चाहिए, मानव पूंजी जो आज की एक महत्वपूर्ण घटक है, और मानव पूंजी जब हम उद्योगों में प्रयोग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराते हैं जिससे कि हमारी एक सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनी रहे। अगला बिंदु है गुणवत्ता में वृद्धि। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इससे पूर्व जो हम कृषि में, उद्योग में जो जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे वो अभी पारंपरिक रूप से हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास मशीनें बनी, वैज्ञानिक आविष्कार आए, हमारी तकनीकी में वृद्धि हुई उसी तरह हमारी गुणवत्ता में वृद्धि हुई। आज हमारे पास उच्च गुणवत्ता की सभी चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इस कारण ये कहा जा सकता है कि विज्ञान ने हमारे उद्योगों के क्षेत्र में जो उत्पादन है उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि की। अगला बिंदु है सूक्ष्म से विशाल वस्तुओं का कुशल उत्पादन। आप लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम एक बहुत छोटी सी सुई से लेकर एक बहुत बड़ी मशीन तक का प्रयोग करते हैं और आप इसको खूब अच्छे से जानते हैं, आपको विदित है इस बारे में कि उद्योगों में हम एक छोटी से छोटी सुई और यहाँ तक कि आज हम छोटे से छोटे कंप्यूटर की छोटी से छोटी चिप से लेकर बड़ी बड़े पुल, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब के प्रयोग में हम लोग वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग कर रहे हैं। जो कार्य पहले संभव नहीं होता था आज वो बहुत आसानी से संभव है। इसलिए उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ही बड़े स्तर पर एक क्रांति लाई है।
अगला जो बिंदु है जिस पर हम देखेंगे जनसंचार के क्षेत्र में, जनसंचार, इसका जो पहला बिंदु है इसमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न संचार के उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि की खोज। इससे पूर्व यानी कि पारंपरिक साधन जो हमारे हुआ करते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पहले हरकारा नाम की व्यवस्था होती थी जिसमें व्यक्ति विशेष को ये एक उत्तरदायित्व दिया गया था कि उसको कोई संदेश देना होता था जिसको हम संदेश वाहक भी बोला करते थे, वो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। इसमें बहुत समय लगता था, इसमें बहुत ऊर्जा लगती थी और साथ ही साथ इसमें दूरी होने के कारण जब तक वो संदेश वहाँ तक पहुँचता था तब तक उसकी उपादेयता समाप्त हो जाती थी। इस कारण उस समय के संचार जनसंचारों की जो स्पीड थी, जो गति थी, गुणवत्ता थी बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे हमने वृद्धि की, जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार हमारे पास आए, विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में अवतरण लेना शुरू किया, ठीक उसी तरह से हमारे पास मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट जैसे उपकरण आए जिससे आप त्वरित यानी कि कुछ सेकंड में एक छोटी सी सूचना या एक बड़ी सूचना एक ही समय में बहुत सारे लोगों को बहुत तेज़ी से पहुंचा सकते हैं, जिसमें हमें किसी प्रकार का इंतजार या किसी तरह का आवागमन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बिंदु, व्यापक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे कि मैंने अभी कहा व्यापक रूप से, यानी कि अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप रेडियो का यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही स्थान से एक ही व्यक्ति एक संदेश को पूरे विश्व में कहीं भी कितने भी बड़े जनसमूह को तुरंत पहुंचा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि ये तुरंत पहुंचता है, जो अगला बिंदु है मेरा, त्वरित गति से, यानी कि इसमें पहले की तरह पारंपरिक साधनों की तरह समय नहीं लगता है, इसमें तुरंत वहाँ त्वरित गति से वहाँ पहुंचता है, जिससे कि जो हमने संदेश वहाँ भेजने का प्रयास किया है या संदेश भेजने के पीछे जो हमारी इच्छा है या उसका जो एक उसके पीछे जो छुपे हुए संदेश हैं वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। अगला बिंदु है व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संप्रेषण में सुविधा। चूँकि ये जो संचार है वो मुख्यतः दो तरीके से है, व्यक्तिगत रूप से और व्यापारिक रूप से। क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई उसने अपने आप को विकसित करने के लिए व्यापार का प्रयोग किया और व्यापारिक संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, जिससे कि एक व्यापारिक संतुलन बना रहे और उसके लिए इस जनसंचार के क्षेत्रों ने हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा पहुँचाई है। आज आप घर बैठे हुए तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका जो खरीदा हुआ सामान है, जो वस्तु है, वो कहाँ पर है, कितने समय में वो आप तक पहुँच जाएगी। इस तरह से व्यक्तिगत और व्यापारिक संप्रेषण दोनों में ही विज्ञान के जो संचार जनसंचार के उपकरण हैं उन्होंने आशातीत सफलता हासिल की है और उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदला है और निरंतर गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। अगला बिंदु जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्व का वैश्विक गाँव में परिवर्तन, ग्लोबल विलेज जिसको कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि आज इंटरनेट के माध्यम से, आज हमारे पास जो जनसंचार के त्वरित माध्यम है उनके माध्यम से पूरा विश्व जो है एक वैश्विक गांव, जिसको ग्लोबल विलेज के नाम से भी जाना जा रहा है, उसमें परिवर्तित हो गया है। आज एक ही स्थान पर एक छोटे से कमरे में बैठे हुए आप अपने घर के किसी कमरे में बैठे हुए इंटरनेट का प्रयोग कीजिए और विश्व के किसी भी हिस्से में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से आप कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ हमारे पास लाइव टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध है, हम सीधे सीधे उनको दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का प्रयोग करते बिल्कुल त्वरित और उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से जनसंचार के क्षेत्र में भी विज्ञान के सैकड़ों उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में पूरी क्रांति उत्पन्न कर दी है। अगला जो हमारा क्षेत्र है वो है यातायात। क्योंकि मनुष्य को अपने विकास के लिए जगह जगह इधर से उधर जाना हुआ, आदि मानव भी ऐसा करता था। पहले मैंने अभी आपको बताया कि आदि मानव के यातायात के साधन बहुत ही मद गति से चलने वाले थे, बहुत हल्के चलते थे, ना ही उसमें कोई इतनी गुणवत्ता थी। लेकिन जब से विज्ञान ने इस क्षेत्र में अवतरण लिया है उस तरह से हमारे यातायात के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। जिसमें पहला बिंदु जो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, यातायात के अनेक विकल्प। आज के समय में हमारे पास यातायात के अनेकों विकल्प उपस्थित हैं। आप सड़क मार्ग से, आप जल मार्ग से, आप वायु मार्ग से, आप रेल मार्ग से, जो भी आपके पास उपलब्ध है और जो भी आप प्रयोग करना चाहें वो विकल्प आपके पास उपस्थित हैं और आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुँच सकते हैं। वायु यात्रा के थ्रू तो आप बहुत ही कम समय में एक लंबी दूरी को जा सकते हैं वहाँ पर, और अगर आपको कहीं ऐसी आकस्मिकता पड़ती है तो वायुयान आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। दूसरा बिंदु है यात्राओं की गति, सुविधाओं और संचालन में तीव्रता। यानी कि अब हमारे पास द्रुतगामी का मतलब बहुत तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें हम कई 100 किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर पाते हैं। और आपको विदित है कि इन ट्रेनों में या वायु यात्रा में, वायुयानों में हमारे पास जो सुविधाएँ हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएँ हैं। हमारे पास खाने के लिए, हमारे पास शौच के लिए इत्यादि वगैरह सबके लिए सुविधाएँ हैं।
संचालन में भी तीव्रता है। दिन ब दिन हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण बढ़ते चले जा रहे हैं, वो एडवांस होते चले जा रहे हैं, उनमें विकास होता चला जा रहा है, और इनके संचालन में यानी कि यात्राओं के संचालन में, खासतौर पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो हमारा रेल मार्ग है और जो हमारा वायु मार्ग है, इनके संचालन में इन उपकरणों के माध्यम से बहुत अधिक सुविधा होने लगी है। अगला है आकस्मिक परिस्थितियों में उपलब्धता। आपको मालूम है कभी कभी हमारे पास आकस्मिकताएँ हो जाती हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, उस क्षेत्र में हमारे पास जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास जनसंचार का जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया वो उपलब्ध है, और कभी कभी अगर विपरीत परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा अधिक विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो हमारे पास जो है वायुमार्ग से भी एम्बुलेंस, जिसको हम बोलते हैं एयर एम्बुलेंस, उसकी सुविधा उपलब्ध है, और किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा या अभी वर्तमान में ही जो केरल में चल रहा, केरल में जो बाढ़ आई हुई है उसमें हमारे पास जो हमारी चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो हमारा वायुमार्ग के थ्रू हम उनको पहुंचा रहे हैं, जो बहुत ही कम समय में वहाँ उपलब्ध होती जा रही हैं। अगला बिंदु है व्यापारिक आवागमन के तीव्र एवं विशाल साधन उपलब्ध। जैसा कि मैंने बताया कि व्यापार में भी यातायात ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़े बड़े विशाल जलयान हमारे पास उपलब्ध हैं, बहुत बड़े बड़े वायुयान हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास रेलगाड़ियों की एक श्रृंखला उपलब्ध है जिसमें मालगाड़ियाँ सैकड़ों लाखों कुंटल सामान जो व्यापार के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, वो हमारे पास उपलब्ध हैं बहुत ही कम समय में, और उस सामान को ख़राब किए बिना हम उन सामान को उनके गंतव्य तक पहुंचा पा रहे हैं। अगला बिंदु है विभिन्न मानव सभ्यताओं के बीच में संबंध। चूँकि यातायात के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जहां पहले हम नहीं जा पाते थे, जिसको हम लोग कहा करते थे उस दौर में सात समंदर पार, आज उस स्थिति में हमारे पास वो व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं, वो साधन उपलब्ध हैं कि हम बहुत ही कम समय पर विदेशों तक पहुँच जाते हैं, बहुत ही आसानी के साथ पहुँच जाते हैं, और इस तरह से हम विभिन्न मानव सभ्यताओं के संपर्क में आते हैं, वहाँ क्या विदेशों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, ये सब इस वजह से उपलब्ध हुआ है क्योंकि हमारे पास आज के समय में यातायात के द्रुतगामी साधन उपलब्ध हैं। शिक्षार्थियों, अगला जो क्षेत्र है वो है चिकित्सा का क्षेत्र, जिसमें जो पहला बिंदु है विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों और उपचारों की खोज। आपको विदित है कि पुराने ज़माने में हम देखा करते थे कि महामारियों का बहुत प्रकोप हुआ करता था, एक बार में कोई एक संचारी जो रोग हुआ करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत बड़े जनसमूह को प्रभावित करते थे, और उनके उपचारों की हमारे पास इतनी व्यवस्था उपलब्ध भी नहीं थी, लेकिन आज के समय में हमारे पास विभिन्न चिकित्सीय उपकरण हैं, विभिन्न अद्यतन यानी कि अप टू डेट एडवांस जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास उपकरण हैं उपलब्ध हैं, किसी भी तरह के छोटे से छोटे बड़े से बड़े बीमारी के उपचारों की खोज हमने की हुई है। दूसरा बिंदु असाध्य रोगों के उपचार के संबंध के संभव हुआ। जो उपचार जो हमारे असाध्य रोग पुराने समय में हुआ करते थे, जिनके उपचार संभव नहीं थे, वो आज हम उपचार करने में संभव हैं। आज लगभग लगभग सभी रोगों के उपचार संभव हैं, और जिन रोगों के उपचार अभी संभव नहीं हो पाए हम उस क्षेत्र में निरंतर खोज कर रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में शायद ही कोई ऐसा रोग बचेगा जिसका उपचार असंभव हो। अगला बिंदु है संचारी रोगों एवं महामारियों की रोकथाम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महामारी फैला करती थी पुराने समय में, जैसे चेचक हुआ करता था किसी समय में, पुराने समय में चेचक की जो महामारी थी वो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर में फैल जाती थी। संचारी रोग हुआ करते थे जो बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते थे, लेकिन आज हमने जो बहुत सारी वैक्सीन्स हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से हमने ये देखा कि हम उन संचारी रोगों को आसानी की सहायता से रोक सकते हैं। चेचक जैसी महामारी आज के समय में लगभग ख़त्म हो गई है, पोलियो जैसी महामारी जो बहुत ही जिसे हम कहें अभिशाप है उसको भी हम रोकने में सक्षम हो पाए हैं, ये सिर्फ हुआ है विज्ञान की उन उपलब्धियों के माध्यम से। अगला है उपचारों के असंख्य विकल्प उपलब्ध। हमारे पास जो आज विकल्प हैं वो भी उपलब्ध हैं, यानी कि अगर हम एक जगह से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम किसी दूसरी जगह जा सकें। जैसे पिछले बिंदु में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो यातायात के साधन उपलब्ध हैं उसके माध्यम से आज अगर हमारे देश में किसी वजह से अगर उसका उपचार उपलब्ध नहीं है तो हम उन चीज़ों के उपचार के लिए विदेशों में जा सकते हैं, यानी कि उपचार का हमारे पास विकल्प मौजूद है, हम एक शहर से दूसरे शहर भी आसानी से जा सकते हैं। इसी क्षेत्र का अगला बिंदु है आकस्मिकता की स्थिति में भी उपचार, यानी कि हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी है, अक्सर जो हमने देखा कि अभी पारंपरिक जो साधन हमारे पास रहे थे उसमें कोई भी अगर ट्रेजेडी यानी कि कोई आकस्मिकता हो जाती थी उस स्थिति में हम उपचार नहीं दे पाते थे, लेकिन आज हमारे पास इतने सारे उपकरण हैं, इतने छोटे उपकरण उपलब्ध हैं कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हम किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी उपचार देने में सक्षम हैं, जिस तरह से उसके उस व्यक्ति की जान को हम आसानी से बचा सकें। शिक्षार्थियों, अगला जो क्षेत्र है वो है शिक्षा का क्षेत्र। चूँकि आप और हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक उपकरणों ने बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की है, पूरा स्वरूप ही बदल दिया है शिक्षा का। इसका पहला बिंदु है शिक्षा का कि व्यापक एवं सर्वसुलभ अवसर। जैसा कि विदित है आपको कि पुराने समय में सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, उसके बहुत सारे कारण थे, उसके सामाजिक कारण थे, उसके आर्थिक कारण थे, लेकिन जैसे जैसे हमने विकास किया, जैसे जैसे विज्ञान ने शिक्षा में
प्रवेश किया, उसके उपकरणों की सहायता हमने लेनी शुरू की, तब हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में शिक्षा के व्यापक और सर्वसुलभ अवसर उपलब्ध हैं। जैसा कि मैं आपको अभी अद्यतन एग्जाम्पल अभी मैं NIOS के स्टूडियो का ही देना चाहूँगा कि इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत बड़े ग्रुप को हम शिक्षा देने में सक्षम हो पाए हैं। इसलिए आज शिक्षा व्यापक भी है और सर्वसुलभ भी है। अगला बिंदु है नई एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास। अभी हम पारंपरिक शिक्षण विधियों को छोड़कर नई और वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं उनका, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षा पाने के लिए लाभार्थी, शिक्षा का लाभार्थी है, शिक्षा के लाभ को पाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हम इन नई पद्धतियों के माध्यम से उन तक शिक्षा पहुँचा सकते हैं। और ये नई पद्धतियाँ, एक ही नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ जो हैं, ये बहुत ही वैज्ञानिक हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम संसाधनों के साथ एक बड़े ग्रुप की शिक्षा की समस्या को समाधान करने में सक्षम है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान। शिक्षार्थियों, आज की जो हमारी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं वो बहुत हद तक मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, और उनके वैज्ञानिक समाधान हमारे पास उपलब्ध हैं इस समय पर। इन सारी समस्याओं को हम उन वैज्ञानिक समाधानों के माध्यम से उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो उनके जो विद्यार्थियों का जो मन है, जो वो आसानी से हमारी शिक्षा व्यवस्था में लगा रहे, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते रहें। अगला बिंदु है आयु एवं सामाजिक वर्गों को भी शिक्षा। अब चूंकि हम लोग नए समय में यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एक बुजुर्ग, यानी कि जिसको हम कहेंगे जो वरिष्ठ हमारे समाज के साथी हैं, उन सबकी शिक्षा व्यवस्था की, दूसरे सामाजिक वर्ग हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सी जगह आज भी हमारे पास भारतवर्ष में है कि जहाँ पर अभी उन उपकरणों का प्रयोग होना संभव नहीं हो पाया है। इस कारण जो हमारे आयु हैं, कम आयु से और विभिन्न सामाजिक वर्गों को भी शिक्षा हम उपलब्ध करा सकते हैं। अगला बिंदु है शैक्षिक उपकरणों की खोज एवं विकास। विज्ञान ने हमारे पास बहुत से शैक्षिक उपकरण दिए हैं, जिसमें मोबाइल, कैमरा, वीडियो कैमरा अत्यंत एडवांस ग्रुप के हमारे पास मौजूद है, जिससे कि हम उन शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग हमारी शिक्षा व्यवस्था में करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सके। शिक्षार्थियों, अगला जो क्षेत्र है वो है मनोरंजन का क्षेत्र। इसमें सबसे पहला बिंदु है मनोरंजन के सस्ते और सुलभ संसाधन उपलब्ध होना। आज मनोरंजन के बहुत सस्ते और सुलभ साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, व्यक्ति अपनी सुविधानुसार, अपने संसाधनों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है। दूसरा बिंदु रुचि एवं आधारित संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि आज मनोरंजन जो है वो रुचि आधारित है। किसी को कुछ प्रोग्राम पसंद है, किसी को कोई कार्यक्रम पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हम आज उन वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, उन वैज्ञानिक संसाधनों के कारण उन सभी व्यक्तियों को उनकी रुचि के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता कराने में सक्षम हो सके हैं। अगला बिंदु है 24x7। इसका मतलब है 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, यानी कि आज जो हमारे पास चैनल उपस्थित हैं, मेरा जो आशय है वो ये है कि जो हमारे पास चैनल उपस्थित हैं वो 24 घंटे अपनी सेवाएं देने में सक्षम है। इसलिए आज मनोरंजन के जो भी साधन हैं हमारे पास 24 घंटा उपलब्ध हैं। अगला बिंदु है विभिन्न देशों के मनोरंजन की उपलब्धता। आज आप TV के माध्यम से या और प्रोग्राम, जो हमारे बड़े बड़े जो मनोरंजन पार्क बने हुए हैं जगह जगह, उसमें हम अन्य देशों के जो मनोरंजन के विभिन्न संसाधन हैं उनका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि जो अलग अलग देश हैं उनके मनोरंजन के क्या क्या साधन हैं, वो किस तरह से मनोरंजन प्राप्त करते हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अगला, विशेष रोजगार के अवसर। चूँकि मनोरंजन के क्षेत्र में इन सारे उपकरणों को चलाने के लिए, इन सब लोगों को चलाने के लिए हमको फिर से मानव पूंजी की आवश्यकता है, इसलिए मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने जो हमारे पास उपकरण दिए हैं उनके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हम कुछ विशेष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके हैं। शिक्षार्थियों, अगला विषय है कृषि के क्षेत्र में, जिसका पहला बिंदु है बढ़ती जनसंख्या की भोजन की मांग की पूर्ति। जो विभिन्न हमारे पास उपकरण हैं, विभिन्न हमारे पास संकर बीज हैं, इनके माध्यम से हम बड़ी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर मांग की पूर्ति कर सकते हैं। अगला बिंदु, विशाल पैमाने पर खाद्य एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके माध्यम से हम खाद्य और अन्य वस्तुएं हैं उनका उत्पादन जो है बहुत बड़े पैमाने पर कर पाते हैं और एक बड़े जनसमूह की जो भोजन की मांग है उसको पूरा कर पाते हैं। अगला बिंदु है उत्तम गुणवत्ता के संकर बीजों की विकास का प्रयोग। जो परंपरागत बीज हुआ करते थे उनकी जो उपज थी वो बहुत काफ़ी कम थी, साथ ही साथ उनमें बीमारियों का भी बहुत प्रकोप हुआ करता था, लेकिन आज हमने विज्ञान के माध्यम से संकर बीजों का निर्माण किया है, जिससे उपज भी बहुत बढ़ी है और उसमें जो कीड़े वगैरह इत्यादि का प्रकोप हुआ करता था वो भी कम हो गया है। अगला बिंदु है कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण। जो भी कृषि संबंधी समस्याओं का, जैसे कृषि विज्ञान एक जो है चैनल चल रहा है दूरदर्शन पर, जिसमें कृषि से संबंधित जो भी हमारे कृषक बंधु हैं वो अपनी समस्याओं को ऑडियो यानी कि श्रव्य माध्यम से या दृश्य माध्यम, दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिंदु है वैज्ञानिक कृषि उपकरणों की खोज एवं विकास। जो हमने उपकरण, जो बड़ी बड़ी मशीनें आज हमने बनाई हैं वो सब विज्ञान की देन है। हमारे पास उन मशीनों के माध्यम से आज हम बड़े स्तर पर जो हमारी उपज है उनको बना सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और मानव की जो भोजन की आवश्यकता है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं।
अगला जो हमारा है ऊर्जा के क्षेत्र में, साथियों ऊर्जा हमें नित्य प्रतिदिन रोज के रोज हमें हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, बिना ऊर्जा के हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने हमारे साथ सहसंबंध स्थापित किया है जिसके कारण हमारा जीवन बहुत ही आसान हुआ है, जिसमें पहला बिंदु है घरेलू एवं औद्योगिक ऊर्जा की मांग की पूर्ति। आप घरेलू यानी कि अपने दैनिक जीवन में जितने भी उपकरण प्रयोग करते हैं जिसमें बिजली की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे आपको मिलते हैं वैज्ञानिक, चूँकि वैज्ञानिक खोज है। औद्योगिक ऊर्जा की मांग जो है चूँकि बहुत बड़ी है, इसके लिए हमने बहुत बड़े जो विद्युत उत्पादन केंद्र हैं वो बनाए हैं, वो भी सब विज्ञान आधारित हैं, जिससे कि हम घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा की मांग की पूर्ति कर पाते हैं। अगला बिंदु है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज एवं विकास, यानी कि वो स्रोत जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं उनके माध्यम से जो हम ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, वो वैकल्पिक स्रोत जो है हमारे पास वो भी उपलब्ध हैं। हालांकि अभी इनका विकास हो रहा है, आगे आने वाले समय में हम ये उम्मीद करेंगे कि शायद औद्योगिक ऊर्जा की जो मांग है उसको भी हम वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकें। अगला बिंदु है ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी हमारे पास तकनीक उपलब्ध हैं। आज हमारे पास जो उपकरण हैं या जो हम उपकरण विकसित कर रहे हैं उसमें हम कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा के संरक्षण को भी बढ़ावा देते हैं। अगला बिंदु है ऊर्जा की व्यापक उपलब्धता, यानी कि ऊर्जा हमारे पास काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि अभी उस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज के समय पर लगभग हम मान के चलें कि आप हमारे पास ऊर्जा की व्यापक उपलब्धता है। अगला बिंदु है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र के विशालतम केंद्रों की स्थापना, जो बड़े बड़े हमने परमाणु ताप केंद्र खोले हैं, बड़े बड़े पनबिजली केंद्र जो हमने खोले हुए हैं, हमारे पास बिजली के बनाने के जो उपकरण हैं, ये सारे के सारे वो केंद्र हैं जो ऊर्जा के बड़े पैमाने पर जो है उनका उत्पादन करते हैं और हमारी ऊर्जा की मांग की पूर्ति करते हैं। अगला साथियों व्यक्तिगत दैनिक जीवन में जो हमारे उपकरण हैं ये सबसे बड़ा प्रभाव है विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में जो सहसंबंध है, जिसमें सबसे पहला बिंदु है विद्युत संचालित अनेक उपकरणों का प्रयोग, मोबाइल वॉशिंग मशीन प्रेस, यानी कि दिन भर में जितने भी हम सैकड़ों उपकरण अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सबका सब प्रयोग हो रहा है विद्युत संचालित। उसमें भवन निर्माण में विज्ञान का प्रयोग, जो कि हम घर बना रहे हैं उसमें भी प्रयोग हो रहा है, सुरक्षा संबंधी उपकरणों में हो रहा है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की ऑनलाइन उपलब्धता हमारे पास है, बच्चों एवं वृद्धों की सुविधाओं के लिए भी हमारे पास अनेक उपकरण हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विज्ञान जो है एक सेवक के रूप में अपनी विशेष सतत सेवा मानव को उपलब्ध करा रहा है। मानव के दैनिक जीवन में विज्ञान की व्यापक संपर्क को देखते हुए अब ये कहना गलत ना होगा कि विज्ञान के बिना मानव जीवन की कल्पना नितांत कठिन है। और इसी के साथ शिक्षार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रदर्शन से आपको अपने अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। अगले फिर नए बिंदु के साथ आपके साथ फिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।